हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई कॉम्पिटिशन वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं न्यूली लॉन्च रेनॉल्ट काइगर के बेस वेरिएंट RXE को कंपेयर करूंगा काइगर के सेकंड बेस वेरिएंट काइगर RXL वेरिएंट से। दोनों ही वेरिएंट में इंजन और ट्रांसमिशन सेम ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। दोनों ही वेरिएंट्स में 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है विद हाई स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इन दोनों में सिर्फ फीचर्स का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। गाइस, एक बार ध्यान में रखना, मैं RXL टर्बो वेरिएंट को इस वीडियो में कंपेयर नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेरिएंट का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ। टोटल 15 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है इन दोनों ही वेरिएंट्स में, और उसी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में टोटल 3 फीचर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि नंबर 1 क्रोम ग्रिल काइगर RXE में नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में मिल जाता है। नंबर 2 शार्क फिन एंटेना, काइगर RXE में आपको सिर्फ नॉर्मल पावर एंटेना देखने को मिलता है, शार्क फिन एंटेना देखने को नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाता है। नंबर 3 पावर एडजस्टेबल वार वीएम्स, काइगर RXE में आपको सिर्फ मैनुअली एडजस्टेबल वार वीएम देखने को मिलता है, पावर एडजस्टेबल नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको पावर एडजस्टेबल वार वीएम्स देखने को मिल जाता है। अब बारी है इंटीरियर फीचर्स की। इंटीरियर में सिर्फ एक ही फीचर डिफरेंस मौजूद है, जो है नंबर 4 ड्यूल टोन डैशबोर्ड। काइगर RXE में आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड नहीं मिलता, सिर्फ सिंगल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है, लेकिन काइगर RXL में आपको ड्यूल टोन डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। अब बारी है कंफर्ट एंड कॉन्वीनियंस फीचर्स की। टोटल 2 कंफर्ट एंड कॉन्वीनियंस फीचर्स डिफरेंस दोनों वेरिएंट्स में मौजूद है, जैसे कि नंबर 5 फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, काइगर RXE में आपको सिर्फ फ्रंट पावर विंडोज मिलता है, रियर पावर विंडोज नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज मिल जाता है। नंबर 6 रियर एसी वेंट्स, काइगर RXE में आपको सिर्फ मैनुअल एसी मिलता है विद हीटर, और सिर्फ डैशबोर्ड में ही आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है, लेकिन काइगर RXL में भी आपको मैनुअल एसी विद हीटर देखने को मिलता है, लेकिन डैशबोर्ड के साथ साथ कार के रियर में भी आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है। अब बारी है एंटरटेनमेंट फीचर्स की। दोनों ही वेरिएंट्स में टोटल 4 एंटरटेनमेंट फीचर्स डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नंबर 7 स्पीकर्स, काइगर RXE में आपको कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको फ्रंट के साथ साथ रियर में भी स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिलता है। नंबर 8 इंटीग्रेटेड 2DIN ऑडियो सिस्टम, काइगर RXE में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको 2DIN ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है विद रेडियो। नंबर 9 USB एंड ऑक्सिलरी पोर्ट, काइगर RXE में आपको ऐसी कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में ये फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। नंबर 10 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, काइगर RXE में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। अब बारी है सेफ्टी फीचर्स की। दोनों ही वेरिएंट्स में टोटल 4 सेफ्टी फीचर्स डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नंबर 11 सेंट्रल लॉक, काइगर RXE में आपको सिर्फ मैनुअल लॉक मिलता है, लेकिन काइगर RXL में आपको सेंट्रल लॉक मिल जाता है। नंबर 12 मैनुअल डे नाइट IRVM, काइगर RXE में आपको सिर्फ नॉर्मल मैनुअल IRVM मिलता है, डे नाइट नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में आपको मैनुअली डे नाइट IRVM देखने को मिल जाता है, जो रात के वक्त बहुत ही काम आती है। नंबर 13 सीट बेल्ट वार्निंग, काइगर RXE में सीट बेल्ट वार्निंग फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन काइगर RXL में सीट बेल्ट वार्निंग फीचर देखने को मिल जाता है। नंबर 14 स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, काइगर RXE में आपको ये फीचर नहीं मिलता, सिर्फ मैनुअल लॉक मिलता है, लेकिन काइगर RXL में आपको स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स मिल जाता है, जो बहुत ही यूजफुल फीचर है रोजमर्रा के जिंदगी में। सो गाइस, यही टोटल 14 फीचर्स डिफरेंस दोनों ही वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है, और जो 15 नंबर की डिफरेंस मौजूद है वो है प्राइस डिफरेंस।
काइगर RXC बेस मॉडल का एक्सोरम प्राइस है 5.45 लाख रुपए और काइगर RXL सेकेंड बेस वेरिएंट का एक्सोरम प्राइस है 6.14 लाख रुपए। दोनों में 69,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और अगर आप ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन चाहते हो तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में आप लोगों को वो फीचर मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को 17,000 रुपए और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा ड्यूअल टोन ऑप्शन के लिए जो दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सो गाइस, अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो कॉन्क्लूजन की बात करें तो आप देख सकते हो काइगर RXC जो बेस मॉडल है इसमें आपको सिर्फ कार मिलता है। इसके अलावा जो एसेंशियल फीचर आप लोगों को चाहिए होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि डे एंड नाइट IRVM, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, रियर AC वेंट्स, म्यूजिक सिस्टम जैसे जो नॉर्मल बेसिक फीचर्स है वो आपको काइगर RXC में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप 69,000 रुपए ज्यादा खर्च करते हो तो ये सभी बेसिक फीचर आप लोगों को सेकेंड बेस वेरिएंट में मिल जाता है जो कि है काइगर RXL। और इसीलिए काइगर RXL वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है रेनॉल्ट काइगर का। सो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको ये कॉम्पिटिशन वीडियो पसंद आया है रेनॉल्ट काइगर RXC और रेनॉल्ट काइगर RXL वेरिएंट के ऊपर, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विद ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।